हाय फ्रेंड्स, ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनाना बताएंगे 4-5 ईयर बेबी के लिए, जिसके लिए हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है, वो है 1 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह सिंगल ही बिछाया है। इसे इस तरह टू फोल्ड करेंगे। इस तरह टू फोल्ड करने के बाद और एक बार फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड हमने कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट की लंबाई लेंगे 18 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 6 इंचेस। और यहाँ से आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6 इंचेस। मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 8.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। नीचे की चौड़ाई हमें लेनी है 9 इंचेस। अब यहाँ से लेके नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह हमने टॉप का दोनों पार्ट कट कर लिया है। दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे टू फोल्ड करके। इस तरह टू फोल्ड करके अलग कर लेंगे। अब दोनों पार्ट की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 5.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें 2.5 इंचेस लेना है और नेक की लंबाई हम लेंगे 3 इंचेस। अब यहाँ से नीचे हमें 2 इंच पे मार्क करना है। नेक का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब यहाँ से सेंटर में कट लगाएंगे। इस तरह दोनों पार्ट की नेक हमने कट कर ली है। अब दोनों पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। इसके नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। बैक पार्ट के लिए हमने इस तरह की स्ट्रिप काटी है। इसे कट के साथ मिलाते हुए रखेंगे और दोनों तरफ नेक पे इसे रख के सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद स्ट्रिप की बॉर्डर है उसे भी हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में हमने क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप अटैच करनी है। इसे राइट साइड से अटैच कर लेंगे। नेक के बॉर्डर पे सिलाई लगाएंगे और फोल्ड करके फिर से हमें सिलाई लगानी है। फ्रंट पार्ट में हमने पाइपिंग बना ली है और बैक पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई हमने लिया है 5 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 35.5 इंचेस। इसे हमें सेंटर में से फोल्ड करना है और एक बार सेंटर में से फोल्ड करेंगे।
इस तरह हमने फोर फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव की चौड़ाई लेंगे 7 इंच और यहाँ से नीचे हमें 2 इंच पे मार्क करना है। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। मोरी की चौड़ाई हमें ज़्यादा रखनी है तो यहाँ से नीचे तक हमें क्रॉस में ड्रॉ कर लेना है और इसे हम कट कर लेंगे। स्लीव के सेंटर में भी हमें कट लगाना है। इस तरह दोनों स्लीव के सेंटर से कट करते हुए हमने 4 पीस बना लिया है। अब स्लीव के सेंटर की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और नीचे की बॉर्डर को भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें सभी पीस में इस बॉर्डर को दोनों तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों स्लीव को हमने इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब चारों पीस को हमें मिलाना है 1 बाय 1 इस तरह एक के ऊपर रखते हुए अच्छे से मिला लेना है। अब हम स्लीव के सेंटर में से यहाँ से नीचे 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरफ भी हमें 2 इंच पे मार्क करना है। फिर हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। इस तरह राउंड शेप देते हुए हमने कट कर लिया है। चारों पीस को हमने इस तरह कट कर लिया है। अब राउंड शेप की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सभी पीस में हमें इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब हमने यहाँ पे टॉप का पार्ट लिया है। इसके आर्म होल की बॉर्डर को हमें इस तरह रॉन्ग साइड फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। दोनों तरफ के आर्म होल की बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब इस टॉप पार्ट को राइट साइड रखा है। इसके साथ हम स्लीव को अटैच करेंगे। इसके लिए हम शोल्डर के सेंटर में मार्क कर लेंगे और सेंटर मार्क के दोनों तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरफ भी हमें सेंटर में मार्क करना है और सेंटर मार्क के दोनों तरफ 2 इंच पे मार्क कर लेना है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसे अटैच कर लेना है। सभी पीस को हमें इस तरह अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने स्लीव अटैच कर ली है। अब टॉप पार्ट के साथ नीचे हमें रफल अटैच करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 10 इंचेस और लंबाई है 25 इंचेस। इस तरह के दो स्ट्रिप हमने लिए हैं। इसके बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो हमने दोनों स्ट्रिप में सिलाई लगा दी है। अब एक तरफ से हमें सिलाई के एक धागे को अलग करना है और इस तरह हम खींचेंगे। इस तरह की गैदरिंग हमें पूरी लंबाई में बनानी है। इसी तरह दूसरी स्ट्रिप में भी हमें गैदरिंग बना लेनी है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट की गैदरिंग बना ली है।
अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे, टॉप बॉटम को अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें फिटिंग की ड्रॉ करनी है। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे। स्लीव से लेके नीचे तक हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है दोनों तरफ। और नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस फ्रॉक को हमने फिटिंग कर लिया है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इसे हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब स्लीव ऊपर की तरफ खुली है, इसके साथ हमें स्ट्रिप अटैच करनी है दोनों स्लीव में। तो हमने इस तरह के 4 स्ट्रिप हमने ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस और लंबाई 10.5 इंचेस। इसे इस तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरफ हमें खुला रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है 4 स्ट्रिप को, और इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। सभी पीस को हमने इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इसे हम स्लीव के साथ अटैच करेंगे। स्ट्रिप की खुली वाली साइड को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। सभी स्ट्रिप को स्लीव के साथ इस तरह अटैच कर लेंगे। तो इस तरह मैंने सभी स्ट्रिप को दोनों स्लीव में अटैच कर लिया है। अब दोनों स्ट्रिप को मिलाते हुए हमें यहाँ पे बांध देना है। तो ये हमारा फ्रॉक का फ्रंट पार्ट और इस तरफ फ्रंट का बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमें यहाँ पे बटन या आयु अटैच कर लेना है। तो इसी के साथ यह डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है 4-5 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।